हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेपरवाह परिंदा। और दोस्तों, मैं हूं योगेश शर्मा, आपका होस्ट। अक्टूबर में मेरी एक रोड ट्रिप कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से छूट गई थी, तो सोचा क्यों ना इस वीकेंड पे वो कसर भी पूरी कर ली जाए। इसलिए मैं निकला हूं उत्तराखंड की तरफ। डेस्टिनेशन क्या है वो मैं अभी आपको नहीं बताने वाला। जो मेरे साथ जा रहा है उसके बारे में बता सकता हूँ कि वो भी मेरी तरह ट्रैकिंग का बहुत शौकीन है, और शायद इसी वजह से हम दोनों इस ट्रैक पर एक साथ जा रहे हैं। दोस्तों, जिसे मुझे शाहदरा से पिक करना था वह मेरा छोटा भाई सौरभ, और अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं डायरेक्ट उत्तराखंड की तरफ। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, अभी मैं हूँ उत्तराखंड में। दोस्तों, अभी उत्तराखंड का एक छोटा सा गांव है डाक पत्थर, वहाँ से तकरीबन हम 2 किलोमीटर पहले यहाँ खड़े हुए हैं। छोटी सी रिवर है उसके ब्रिज के ऊपर, और आपको बता दूँ कि मैं यहाँ पे एक ट्रैक के लिए आया हुआ हूँ। हम लोग जा रहे हैं नाग टिब्बा, और मेरे संग है मेरा भाई सौरभ शर्मा, उससे भी मैं आपको मिल पाऊंगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इतना सिंपल सा ट्रैक क्यों चूज़ किया है। मैं आपको बता दूं कि लास्ट अप्रैल में मुझे मेरी बैक में और नी में इंजरी हुई थी। तकरीबन 6 महीने का टाइम लगा रिकवर होने में, लेकिन श्योर नहीं था कि स्ट्रेंथ वापस आई या नहीं आई है, इसलिए स्ट्रेंथ चेक करने के लिए मैंने सिंपल सा जो है ट्रैक चूज़ किया। और अभी फाइनली हम लोग जो है पंतवारी गाँव भी पहुँच गए। यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे, कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे, और ऊपर के लिए कुछ खाना भी जो है पैक करवाएंगे, क्योंकि हम लोग किसी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू जो है ये ट्रैक नहीं कर रहे हैं, हम खुद से ही ट्रैक कर रहे हैं। तो अपने लिए हमें खाने का खुद ही अरेंजमेंट करना होगा, और यहाँ पे किसी गांव से जो है हम लोग अपने लिए खाने का कुछ सामान पैक करवाएंगे। फाइनली हम आ चुके हैं गाँव में। ये हमारे लिए जो है परांठे तैयार हो रहे हैं, और जब तक ये परांठे तैयार होते हैं मैं आपको गांव में दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये गांव की जो है मेन रोड है, और ये कुछ शॉप्स हैं यहाँ पे, और इस गांव के इस रोड के बैक साइड में आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कुछ घर हैं, और ये लोग जो है अपनी ज़रूरत की सब्जियों के लिए यहाँ पे फार्मिंग करते हैं। थैंक यू। अभी हम लोग चल रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ, जो ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है। ऐसा तो नहीं है, लोग बड़े वाला सब और गाँव वालों ने बताया कि हम अपनी गाड़ी भी जो है वहीं पार कर सकते हैं। थोड़ा डिस्टेंस कम होगा, लेकिन गाड़ी की सेफ्टी भी ज़रूरी है, और वहाँ पे गाड़ी जो है सेफली पार्क हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप जो है नाग टिब्बा ट्रैक करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट जो है देहरादून के रास्ते से भी आ सकते हैं, जो कि तकरीबन 80 किलोमीटर दूर है यहाँ से। और अगर आप डायरेक्ट दिल्ली से आ सकते हैं तो पांडा साहिब होते हुए भी आ सकते हैं।
से हमें शायद राइट लेना होगा। दोस्तों ये ट्रैक उतना भी आसान नहीं है जितना कि लोग कहते हैं। इस ट्रैक की हाइट भी जो है तकरीबन 3022 मीटर है सी लेवल से। और पहले जो रास्ते में गांव पड़ेगा वो है गॉड विलेज, और वहाँ पे एक छोटा सा बेस कैंप है, देन एक दूसरा बेस कैंप है जो वहाँ से भी थोड़ा सा करीब 2 किलोमीटर आगे है, और वहाँ पे एक टेंपल है नाग देवता का मंदिर, जिसके बारे में लोग काफ़ी बातें करते हैं, काफ़ी मानते भी हैं एक्चुअली उस मंदिर को। कहते हैं कि वहाँ पे जो नाग देवता रहते हैं वो गांव वालों की, गांव के जो जानवर हैं उन सब की रक्षा करते हैं। और अंकल ये जो ऊपर मंदिर है जी, नाग मंदिर, हाँ जी, इसकी मान्यता क्या है? इसको मानते हैं लोग बाग ना अच्छे ढंग से मानते हैं, जो जाते हैं वहाँ वो जब जाते हैं तो वहाँ वही जाता है फायदा आदमी का जो हाँ से जाते हैं ना। अब भाई अब मंदिरों में जाते हैं, सही बात है, कई मंदिरों में जाते हैं तो फायदा भी हो जाता है, और ऊपर जाते हैं बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं या उत्तरी जाते हैं, तो यही है कि भाई अपनी आस्था है बस लोग वागों की, तो कर भी लेता है इच्छा मन इच्छा भी कर लेता है। अब यहाँ से हमारा ट्रैक जो है स्टार्ट होता है, और कोशिश करेंगे हम जल्दी से जल्दी जो है बेस कैंप तक पहुँचने की। बस एक बार चढ़ना पड़ेगा, यहाँ से सामने वो उस तरफ पंतवारी विलेज है जहाँ से हम लोग अभी आए हैं, और अब शॉर्टकट ले रहे हैं बेस कैंप की तरफ। ये हमारे बेसिक कोर्स के चैंपियन सौरभ शर्मा, कौन मुझे याद कर रहा है, ऐसा लगता है हम गलत ट्रैक पे आ गए और हम किसी के खेतों में। ये देखिए आगे में कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, उनसे पूछेंगे कि सही रास्ता कौन सा है। किस साइड है अंकल, कहाँ जाना आपको? ऊपर नाग टिब्बा, नाग टिब्बा जाना है। हाँ हाँ आप यहाँ से जो सीधे ना, ये सीधे 60 मीटर जाओ। अच्छा ये जा रहा तो रास्ता बता देगा, वहाँ सीधे सीधा रास्ता, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ठीक है, आप इधर से इधर को क्यों लगे, उधर से चाहे आप। हमने गाड़ी यहीं खड़ी की थी तो हमें पता नहीं था। गाड़ी कहाँ पे खड़ी की? यहाँ नीचे जो एक और गाड़ी खड़ी हुई थी वहाँ पे। यहाँ ले आते ना गाड़ी, यहाँ पे आ जाती है। अच्छा यहाँ पे आ जाती है? हाँ यहाँ पे गाड़ी आ जाती है, और यहाँ से बिल्कुल 100 किलोमीटर हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो जब आए गए तो कोई बात नहीं। हाँ हाँ तो आप वहीं से निकल जाते ना ऊपर सीधे। अच्छा नहीं हमें लगा इस साइड से होगा। ना ना ना, उधर कुछ सीधा रास्ता था बस। अच्छा यहाँ हमने गाड़ी खड़ी की, वहाँ से सीधा जो रास्ता जा रहा है चौड़ा वाला। अच्छा अच्छा सारा वही ये बता देंगे। चलो ये सीधे चले जाएंगे। Thank you.
गॉड विलेज और आई थिंक गांव वालों के अकॉर्डिंग ये पहला बेस कैंप है यहाँ पे। इससे इस गांव से थोड़ा सा आगे लोगों ने कुछ अपने टेंट भी लगाए हुए हैं और इस गांव के बारे में कहा जाता है कि गांव के लोग जो है प्लास्टिक यूज़ नहीं करते, इसलिए इस गांव को जो है ग्रीन विलेज भी कहते हैं। आइए मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा ऊपर चल के। जी पहुंच गए हम नाग टिब्बा के बेस कैंप पे और अब यहाँ पे जो है सनसेट होने वाला है। और ये बाजू में आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है। नीचे गांव वालों ने हमें कहा था कि हमें यहाँ ऊपर रूम जो है रेंट पे मिल सकता है, बट ये बिल्डिंग पूरी खाली है, यहाँ पे कोई भी नहीं है। हालांकि रूम खाली है और हम अपने टेंट भी यहाँ पे लगा सकते हैं। अंधेरा होने से पहले सोच रहे कि टेंट लगा दें ताकि रात में जो ठंड होगी उससे भी बच सकते हैं और अगर कोई वाइल्ड एनिमल होगा उससे भी जो है प्रोटेक्शन हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम अपना टेंट लगाते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। शाम के 6 बज रहे हैं, हालांकि बाहर बहुत अंधेरा है और हम लोग टेंट में बैठे हुए हैं, खाना हम खा चुके हैं और अभी हम नाइट का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि कुछ फोटोग्राफ ले सकें, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। और सुबह कितने बजे उठने वाले हैं सौरभ? हम 3:30 हम लोग 3:30 बजे उठेंगे ताकि टाइम से हम जो है समिट पे पहुंच सके। और काफ़ी थकान है और अब हम सोने वाले हैं, ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं और कल के दूसरे ब्लॉग में आपसे सुबह मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड नाइट।